कोई भी दुनिया की बर्क रफ्तारी चला दें इस तरह नहीं पहुंच सकता। और वहां से उसको इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया और अटक जेल में भेज दिया गया। अब एक तरफ तो ये सूरत है, एडिशनल सेशन जज के हुक्म की तकमील देखिए कितनी तेज़ी से होती है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 14 मई का फैसला वाज़ेह तौर पर आता है कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएं पंजाब में, वो हवा में बखेर दिया जाता है। ये है हमारी माशाल्लाह वफाकी हुकूमत के कारनामे, ये है पीडीएम की हुकूमत के कारनामे। एडिशनल सेशन जज के ऑर्डर को बर्क रफ्तारी से अमलदारी करके इमरान को उठा लिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि 14 मई को जो है इलेक्शन करवाए जाएं, वो आज तक वो तिश्नगी है उस पर। हालांकि जो नज़र सानी जो इलेक्शन कमीशन की थी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया है, वो इतना डैमनिंग वर्डिक्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कि सारे मेंबर्स को आइन शिकनी में इनको आर्टिकल 209 में इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, घर भेज देना चाहिए, इनको पाबा सलासल होना चाहिए जिन्होंने इस कौम और मुल्क के न सिर्फ आइन को तोड़ा है बल्कि जमहूर को हक के वोट से भी महरूम रखा है, जमहूर को अवाम को पंजाब असेंबली बनाने से भी महरूम रखा है, और अपनी हक के हुक्मरानी से भी महरूम रखा है। मोहतरम इमरान खान साहब की सज़ा के ख़िलाफ़ जो एडिशनल सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद ने सुनाई थी, जिसमें 3 साल उन्हें सज़ा दी गई थी, 1 लाख जुर्माना और 5 साल की नाअहली, उसके ख़िलाफ़ अपील आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की सरबराही में, जस्टिस जहांगीरी साहब डिवीज़न बेंच की शक्ल में आज उनकी समाअत शुरुआत हुई, जिसमें मैंने पहले ही खड़े होते कहा कि जनाब आप पैटर फैमिलियस होने के नाता से चीफ जस्टिस हो, और आप चीफ जस्टिस जो है वो बाप होता है, उस सूबे की अदलिया का बाप होता है, और अदलिया ही का बाप नहीं होता है, वकला का भी जो उसके साथ मुंसलिक हों वो उनका भी बाप होता है। तो आपके इन मुकदमात की सुनवाई के दौरान ये में एक वकील साहब को कल पंजोसा साहब को FIA ने 8 घंटे महबूस रखा, नोटिस लेके बुलाया और 8 घंटे महबूस रखा, और आज जो सीनियर एडवोकेट इस केस को कर रहे थे नीचे ट्रायल कोर्ट में भी, और अपील भी ख्वाजा हारिस साहब ने दायर की जिसमें मैं सीनियर एडवोकेट होने के नाता से शुरुआत की, आज उनको भी 2 बजे FIA ने बुला रखा है, और किस तफ्तीश के लिए बुलाया है, वो जो एडिशनल सेशन जज की फेसबुक अकाउंट पर जो उनकी फरमूदात थे, जो मुंदरजात थे, जिसमें मोहतरम इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ काफ़ी उन्होंने लघु बातें लिखी थीं, और जो वो पेश की गई थीं, जिसको उन्होंने भेजा था चीफ जस्टिस साहब ने FIA को, और उस दौरानी में एडिशनल सेशन जज ने कमाल महारत से वो अपने अकाउंट से इरेज़ कर दिया, उसको साफ़ कर दिया, उसको मुनहदम कर दिया, और FIA ने बड़े आराम से रिपोर्ट कर दी कि जनाब वो तो मवाद है ही नहीं उसकी फेसबुक पर, और वो फेक जाली कह के उन्होंने उसको कर दिया उस इल्ज़ाम से बचने के लिए कि वो बायस्ड हैं, मुतासिब हैं, इसलिए उनको ये मुकदमा नहीं सुनना चाहिए और उनसे इस मुकदमे को मुंतकिल किया जाए किसी और मजाज अदालत में, उस केस में बुलाया हुआ है। तो जज साहब ने, चीफ साहब कहने लगे हाँ मेरे नोटिस में है, तो मैंने कहा कि अगर यही माहौल रवा रखा गया तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वकला फिर कोई भी जो है अदालतों में किसी भी की वो नहीं कर पाएगा। अब ज़रा अलमिया देखिए इस मुल्क की अदालती निज़ाम का और इस मुल्क के सारे निज़ाम का जो PDM की हुकूमत ने रवा रखा है। एक एडिशनल सेशन जज की फैसले, वो भी मैंने बताया कि जनाब 12:30 बजे इन्होंने फैसला सुनाया है, 12 बजे वकील साहब का बकौल इनके इंतज़ार करते रहे, 1/2 घंटे के बाद 30 सफ़ों का टाइप्ड फैसला
जिससे यही मुतरशे होता है कि पहले फैसला पहले ही लिखा जा चुका था और फिर बताया कि जनाब आप देखिएगा कि कितनी आपकी तस्दीक हुई है। मैंने आर्टिकल 203 पढ़ के सुनाया जिसमें चीफ जस्टिस जो है हर अदालत आलिया का अपनी सबॉर्डिनेट जुडिशरी की सुपरवाइज करता है और कंट्रोल करता है, सुपरवाइज और कंट्रोल। मैंने कहा जी आपकी सुपरविजन और आपके कंट्रोल के नीचे जो कुछ हो रहा है आप देख लीजिएगा कि जब उन्होंने हमारी डिफेंस को क्लोज किया, यानी ये आज तक नहीं हुआ तारीख में कि वकील को जो मौकेला साहिल है वो सफाई के गवाह दे और अदालत मुस्तरद कर दे कि मैं तुम्हारे गवाहों को मानता ही नहीं और लेता ही नहीं है और ये जो है फजूल है और यानी बेवकते हैं, ये आज तक नहीं हुआ तारीख में। और उसके खिलाफ निगरानी खुद चीफ जस्टिस साहब ने उसमें एडमिट करके मंजूर करके समाज के लिए नोटिस देकर सारे फरीकैन को कल के लिए तलब कर रखा है। तो जाहिर है ऐसे में कोई भी ट्रायल कोर्ट एडिशनल सेशन जज जो सेशन जज जो कोई भी ट्रायल कोर्ट जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती है, फैसला नहीं कर सकती है जब तक उस दरख्वास्त को यकसू ना निपेटा जाए, क्योंकि अगर वो मंजूर होती है तो फिर जाहिर है कि सफाई का गवाहान होंगे उस पर जो है प्रोसिक्यूटर अपनी जरह करेगा और उसके बाद अगर वो चाहेगा तो उसकी रिबटल में कोई और प्रेस करेगा और फिर जो है बहस होगी और फिर फैसला होगा। तो ये ड्यू प्रोसेस आर्टिकल 10A इसी चीज़ का मुतकाजी है जो बुनियादी हकूक से मुतसादिम है। तो इसलिए मैंने जब चीफ जस्टिस साहब को कहा कि जी ये आपने किया है तो कल के लिए वो फिक्स्ड है, तो इसने जो है एक दिन पहले ही उजलत में इसने बिना सुने बिना सफाई के बिना इंतज़ार किए हुए और आपको भी इसने जो है तस्दीक किए हुए तस्दीक की है आपके अहकाम की और आपके इस ड्यू प्रोसेस को जो है ओवर रीच करके इसने फैसला सुना दिया है। ये किसी भी जाब्ते से इस फैसले को इसी बुनियाद पर कदम किया जा सके। और फिर मैंने उन्हें बताया कि जनाब आप मुलाहिज़ा फरमाइएगा ज़रा कि इसमें जो शिक है जो दफ़ा है ये इलेक्शन एक्ट का जिसके तहत सज़ा की है उसमें हद सज़ा 3 साल है या और एंडिंग या जुर्माना, सिर्फ 1000 रुपये जुर्माना भी हो सकता था या दोनों चीज़ें। इसने मैंने कहा 3 साल ना सिर्फ फुल सज़ा दी है, 1 लाख का उसे सिर्फ अख्तियार था जुर्माने का वो भी इसने अपना पूरा किया, 5 साल ना अहली का इसे दरख्वास्त था इसने वो भी पूरा किया। तो मुझे वो वक्त याद आ गया जिस तरह जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जब वो चल रहे थे SGS और कोटेकना के केसेस आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के, उस वक्त के भी यही वज़ीर आज़म जो मौजूद हैं और इनके बड़े भाई साहब जो सुप्रीमो हैं उनकी हुक्म पर फुल डोज इसको दो, वो हमने टेपें चलाई थी, सबको याद है जस्टिस मलिक कयूम मरहूम साहब का जो वो हमने टेपें चलाई थी और उन्होंने कहा फुल डोज दो और पूरा जुर्माना करो और पूरी जायदादें इनकी जब्त करो, वो भी हमने वक्त देखा। ये एग्जैक्ट रेप्लिका वही कुछ हुआ है, टेप्स तो हमारे पास नहीं है लेकिन क्राइन यही बता रहे हैं। और फिर देखिएगा तुर्रा इस पर क्या है, एडिशनल सेशन जज का ऑर्डर की तकमील 12:30 बजे फैसला हुआ है, 12:35 के ऊपर जमान पार्क में लाहौर में, अभी वारंट यहाँ से गए नहीं है, लाहौर में पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए पहुँच गई है, सारा घेरा में ले लिया है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया जबकि अभी वारंट यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर जाना इतनी सूरत के साथ मुमकिन ही नहीं है। और वैसे भी वो चूँकि दूसरा सूबा है, क्योंकि ये सूबा ये अपना कैपिटल की अपनी जो है एडमिनिस्ट्रेशन है वो पंजाब का सूबा बनता है, वहाँ तो वैसे भी एक होम सेक्रेटरी टू होम सेक्रेटरी जाया करती है और फिर वहाँ से जो है पुलिस को जाना मकसूद होता है या यहाँ से FIA जाए, ये कोई भी दुनिया की तक आप बर्क रफ्तारी चला दें इस तरह नहीं पहुँच सकता। और वहाँ से उसको इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया और अटक जेल में भेज दिया गया। अब एक तरफ तो ये सूरत है, एडिशनल सेशन जज के हुक्म की तकमील देखिए कितनी तेज़ी से होती है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 14 मई का फैसला वाज़े तौर पर आता है कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएं पंजाब में, वो हवा में बखेर दिया जाता है। ये है हमारी माशाल्लाह वफाकी हुकूमत के कारनामे, ये है PDM की हुकूमत के कारनामे, एडिशनल सेशन जज के ऑर्डर
उसको बर्क रफ्तारी से अमलदारी करके इमरान को उठा लिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि 14 मई को जो है इलेक्शन करवाए जाएं, वो आज तक वो तिशनगी है उस पर। हालांकि जो नज़र सानी जो इलेक्शन कमीशन की थी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया है, वो इतना डैमनिंग वर्डिक्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कि सारे मेंबर्स को आइन शिकनी में इनको आर्टिकल 209 में इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, घर भेज देना चाहिए, इनको पाबा सलासल होना चाहिए जिन्होंने इस कौम और मुल्क के न सिर्फ आइन को तोड़ा है बल्कि जमहूर को हक के वोट से भी महरूम रखा है, जमहूर को अवाम को पंजाब असेंबली बनाने से भी महरूम रखा है और अपनी हक के हुक्मरानी से भी महरूम रखा है। और फिर अजीब एक तुर्रा देखिएगा कि CCI बैठ रही है। ओ भाई, कौन सी CCI? दो सूबों में तो वज़राए आला केयर टेकर जो हैं वो तो अवाम के नुमाइंदा ही नहीं हैं, दे डोंट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ द प्रोविंसेस। उनके साथ बैठ के सिर्फ ये है कि इलेक्शन को कितना आपने फू खाते में डालना है। बाहर गए, वो उस तरफ आया। आज की जो समात थी उसमें ख्वाजा हारिस साहब ने भी फिर अपनी मारूजात की कि जनाब देखिएगा किस तरह से, जब मेरा मुंशी जा रहा था तो उसको भी इन्होंने जो है धमकियाँ भी दी और उसको डिटेन किया गया, और ये इस तरह से किया गया कि वकला भी ना जा सकें, मुंशी भी ना जा सकें, अदालत तक ना रसाई हो सके ताकि बुलडोज करके सजा किया जाए। तो जज साहब ने हमारी इस्तदलाल इब्तदाई सुनने के बाद अपील को समात के लिए मंजूर कर लिया, एडमिट नोटिस किया, दूसरे फरीक को नोटिस दिया इलेक्शन कमीशन को, और साथ ही रिकॉर्ड सारा तलब कर लिया है, और हमने कहा कि इसको फौरी मुअत्तल किया जाए सज़ा को। उस पर उन्होंने नोटिस देकर अर्ली हियरिंग के लिए हमने उसमें इस्तदा ज़रूर की कि आज ही इसको जो है कर लीजिएगा, क्योंकि ये इतना वाज़े तौर पर बदनीयती मुतरशी होती है कि ये तज़हीक होगी और अदालती निज़ाम जो है के ऊपर एक बहुत बड़ा सा धब्बा है, जिस अंदाज से एडिशनल सेशन जज साहब ने इस केस को यकसू किया है। थैंक यू सर। इमरान खान साहब और कितने घंटे जेल में रहेंगे? देखें, ये तो अल्लाह के, देखें ये दाना पानी उसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में होता है। किसी इंसान के हाथ में होता तो वो शायद सभी को जो है वो महरूम कर देता, इसका मैं कुछ नहीं कह रहा। रात तक या सुबह तक रिहा हो जाए? देखें मुती, ये तारीख अब देंगे, जब भी जज साहब देंगे, कल की देते हैं, परसों की देते हैं, ये DB के ऊपर मुहित है। आज बाहर कैफ नहीं हो सकते हैं। आई डोंट नो, आई कांट से एनीथिंग। थैंक यू, थैंक यू।